देखिए डेकोरेशन आज बलून से तिरंगे के कलर में हुई है, बहुत ही सुंदर तिरंगे के कलर में डेकोरेशन यहाँ पे हुई है। ऊपर देख रहे हैं आप लोग, ऊपर मैंने दिखा रही हूँ, ये देखिए तिरंगे से यहाँ डेकोरेशन हुआ है। माई चैनल दशरा व्लॉग्स, और आज हम आ गए हैं सारनाथ। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है गणतंत्र दिवस और हम आपको सारनाथ की सैर कराने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं अंदर, और मेरे पीछे तो आप देख रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे सारनाथ के उत्खनित अवशेषों की मुख्य योजना है जो यहाँ पर दिया गया है, तो आपको हम एक बार दिखा देते हैं। ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पत्थरों के मैप बने हुए। तो वहीं उसी के बगल में यहाँ पे और भी बोर्ड लगे हुए हैं जो सारनाथ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलिए हम आपको बोर्ड दिखा चारों बोर्ड दिखाते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ के बारे में कि सारनाथ में सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है। हर लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। सारनाथ में ध्वनि एवं प्रकाश शो का लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो भी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। और देख लीजिए, मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दूर दूर तक ये पत्थर देख, आपको ये पूरे सारनाथ में मिलेगा देखने के लिए। ये तो ये सारनाथ में अवशेष हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। तो मैं ये आपको पास से दिखा रही हूँ, सारनाथ के उत्खनित अवशेष हैं। दोनों साइड है, ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बीच में मंच की तरह बना हुआ है, गोल सा बड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे गार्डन बहुत सुंदर सा है, जहाँ पे सब बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और साथ में यहाँ पे बीच में फ्लावर लगाए गए हैं, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। और साथ में टोम्ब है वो सामने, मैं वो दिखाती हूँ आपको जूम करके। तो आइए आपको लेके चलते हैं अब पत्थरों के बीच में, नीचे पत्थरों के पास। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डस्टबिन कितनी सुंदर बन रखी है, ये डस्टबिन के बाहर लिखा हुआ है कि सूखा कचरा गीला कचरा सामने। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ धर्मराजी का स्तूप। ये देखिए यहाँ पे धर्मराजी का स्तूप है, और ये मंच की तरह है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं उस मंच पे और चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगाया गया है, उस पर लिखा हुआ है सब इसके बारे में, आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे जो स्तूप देख रहे हैं, इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। जो तो ये आप जो देख रहे हैं, ये स्तूप का बचा हुआ अवशेष खंड है। यहाँ पर एक बार दिखाइए, यहाँ तक तो हम लोग आ गए, लेकिन स्तूप के ऊपर चढ़ने की परमिशन नहीं है यहाँ पे। तो क्या क्या यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सारनाथ में, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए, तो ये देखिए शिलाखंडों के बचे हुए अवशेष हैं यहाँ पे, हम दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, ये यहाँ पे देख रेख करते हैं। देखिए यहाँ से आपको मंदिर भी दिख रहा होगा, मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा। तो देखिए हम आपको धर्मराजी का स्तूप का बोर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये हिंदी में दिया हुआ है, और उसी के जस्ट बगल में दिया है इंग्लिश में, इसे ट्रांसलेट किया गया है। तो
तो यहाँ पे देखिए शिलाखंडों का बचा हुआ अवशेष है जिसको बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से रखा गया है अंदर उसका एक घेरा बना के। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये शिलाखंडों का बचा हुआ अवशेष है जो बहुत सुरक्षित तरीके से इसके अंदर रखा हुआ है। एक बार मैं दूर से इसे दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है, कितना अच्छा ये पार्क है। इसे सारनाथ पार्क के नाम से जाना जाता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा फील्ड है, काफ़ी यहाँ पे हरियाली है, घास वास यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं पास से स्तंभ। ये अभी कार्य प्रगति पे है, मतलब अभी ये बन रहा है। और इस स्तंभ के नीचे यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, प्लीज़ लाइट कैंडल ओनली ऑन कैंडल स्टैंड। ये लाइट और कैंडल यहाँ पे जो भी जलाने हैं वो कैंडल स्टैंड में ही जलाने हैं। ये देखिए यहाँ पे कैंडल जलाने की मान्यता है। जिस स्तूप के नीचे लोग बैठ के कैंडल जलाए हैं, पे लिखा है कार्य प्रगति पे है। तो अभी ये बन रहा है, देखिए और देखिए ये काफ़ी बड़ा फील्ड है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। वैसे तो ऑल टाइम क्राउड रहती है हर समय, लेकिन आज है गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस के मौके पे यहाँ पे लोग घूमने आए हैं। और गार्डन भी काफ़ी बड़ा है, देखिए यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ गार्डन यहाँ का, कितनी हरियाली है यहाँ पे, पेड़ पौधे लगे हैं। और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन कितनी अच्छी की गई है, पेड़ों की कटाई छटाई करके किनारे किनारे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी फेमस जगह है ये सारनाथ पार्क। इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं ये है मुगलगंज कुटी बिहार। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, तो देखने में यहाँ पे सारी चीज़ें एक जैसी हैं, सारे स्तंभ यहाँ पे जो है एक जैसे हैं, लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग नाम है। तो अभी हम यहाँ जहाँ पे हैं ये है मूलगंज कुटी बिहार। तो चलिए थोड़ा हम आपको अंदर से दिखाते हैं मूलगंज कुटी बिहार कैसा है। तो ये भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्तंभ बनाए हुए हैं छोटे छोटे यहाँ पे। ये देखिए, तो मैंने आपको दिखाया मूलगंज कुटी बिहार। तो अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ यहाँ, ये देखिए यहाँ का कितना अच्छा लग रहा है ये दृश्य देखिए। एक चीज़ है यहाँ, पुरानी पुरानी चीज़ें बहुत हैं और बहुत काफ़ी खूबसूरत जगह है। हम तो ये कहेंगे आप लोग भी एक बार आइए और आके यहाँ पे विज़िट कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी स्पेस है, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और पुरानी पुरानी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। और मेरे जस्ट पीछे आप लोगों को दिखता होगा स्तूप जो मैंने आपको पास से ले जाके दिखाया। तो दूर से आप देखिए एक बार कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, जो कि अभी बन रहा है, इसकी कार्य प्रगति पर है। यहाँ पर एंटर करने के लिए टिकट लगती हैं, 5:45 बजे तक टिकट मिलती है, 5:45 बजे के बाद टिकट मिलना बंद हो जाता है क्योंकि काफ़ी बड़ा फील्ड है। तो टिकट देते रहेंगे तो फील्ड फिर खाली कब होगा, तो इसलिए 5:45 बजे तक यहाँ पे टिकट मिलती हैं। और टिकट है सिर्फ 20 से 25 रुपए में। यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स बनाए गए हैं। तो देखिए वहाँ से निकल के हम यहाँ बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये धर्मचक्र जिन विहार के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है।
और ये है सामने। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुमार देवी के अभिलेख की विषय वस्तु। कुमार देवी वो थी जो जिन्होंने यहाँ ये बनवाया था, तो उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पे ये शिला खंड है, यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ, बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे शिला खंड मिलेंगे। और मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये नज़ारा। पत्थर के ऊपर बहुत ही सुंदर तस्वीर भी बनाई गई है, मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देती हूँ। वो देखिए सामने छोटी छोटी, ये देखिए दूर दूर तक है ये। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये शिला खंड है, और ये कुमार देवी जिन्होंने यहाँ पे बनवाया है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे बुद्ध जी की छोटी सी प्रतिमा भी है इस शिला खंड में। तो मैंने यहाँ पे आपको लगभग सारी चीज़ें दिखा दी हैं, और यहाँ पे मैंने अभी आपको लास्ट में दिखाया कि ये शिला खंड है, तो जिनको कुमार देवी ने बनवाया था यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपने देखी। तो ये देखिए ये शिला खंड के बगल में, यहाँ पे मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, ये जस्ट शिला खंड के बगल में कितना अच्छा लग रहा है। पूरी हरियाली के बीच में घिरा हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने अभी जो आपको दिखाया वो शिला खंड सामने है, शिला खंड के बाद यहाँ पे हरियाली के बीच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जाने का रास्ता इधर से है, ये देखिए यहाँ सीढ़ी बना हुआ है, यहाँ से हम जाएंगे अंदर। और यहाँ पे डिस्टेंस पे अशोक के छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हम आपको बैक कैमरे से अभी दिखाते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। अब ये लास्ट है यहाँ का, मैंने पूरा आपको दिखाया। यहाँ से भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा गार्डन दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा पार्क है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर एक मंदिर भी है। तो चलिए मंदिर का रास्ता हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये अभी बंद है, इसके अंदर जाके मंदिर है, चक्र की तरह बना हुआ है अंदर। सामने है मंदिर, ये देखिए। तो हम आपको अब लेके चलते हैं यहाँ पे म्यूज़ियम की तरह, उसमें शिला खंड कुछ बंद हैं, तो चलते हैं वहाँ पे, उसके बारे में लिखा भी होगा, तो उन शिला खंड को देखते हैं और आपको बताते हैं क्या है वहाँ पे। तो हम ये एरिया जो आपको दिखा रहे हैं ये अर्धवृत्ताकार चैत्य गृह है, ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। और ये देखिए यहाँ पे हर एक एक जगह जो है ना वो काफ़ी स्पेशल है, हर जगह की अपनी अलग अलग ही मान्यता है। यहाँ पे देखिए फ़ोटो सेशन भी हो रहा है सामने, यहाँ पे फ़ोटो सेशन लिया जा रहा है। और वो सामने है जो मैंने बताया म्यूज़ियम की तरह अंदर शिला खंड है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये एरो जो दिखाया है इसमें अशोक स्तंभ जाने का मार्ग बताया है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पत्थरों पे लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे अशोक स्तंभ के बारे में लिखा हुआ है, और ये है सामने अशोक स्तंभ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये देखिए ये है अशोक स्तंभ, अशोका पिलर इंग्लिश में यहाँ ट्रांसलेट किया गया है। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे अशोका पिलर, अशोक स्तंभ। तो ये सामने है अशोका पिलर, जो मैं आपको बोल रही थी कि ये म्यूज़ियम के जैसे अंदर रखा हुआ है, तो ये है अशोक स्तंभ। देखिए यहाँ पे आद्या खेल के अपना क्या हाल बना लिया है। हेलो करो आद्या, खेल खेल के आद्या अपना हाल ये बना ली हैं, पूरा बाल इनके बिखरे हुए हैं।
यहाँ पे मुझे डस्टबिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। डस्टबिन यहाँ पे ईंटों से बनाया गया है, देखिए। और यहाँ छोटू से जो ये है ना, ये देख रहे हैं आद्या को, बच्चे बच्चे को देखते हैं, ये देखिए। और आद्या अपना खेलने में परेशान है। हेलो, ये देखिए बदमाशी कितना कर रही है आद्या। दो बच्चे साथ में मिल जाएं तो। यहाँ पे देखिए फ्लावर कितने अच्छे हुए हैं, येलो येलो। ये देखिए यहाँ गुड़हल के फूल भी हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी है गुड़हल के फूल, वहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे भी फ्लावर हुए हैं बहुत ही सुंदर सुंदर। यहाँ गार्डनिंग की गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक और भी बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखी, वात्सल्य कक्ष बेबी केयर रूम। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये बेबी केयर रूम है। तो ये देखिए ये एंटर गेट है जहाँ से हम अंदर आएंगे। 20 रुपये की 25 रुपये की टिकट लगती है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर। और आद्या को लगी है प्यास तो उसके पापा उसे पानी पिला रहे हैं, ये देखिए। तो ये यहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं ये है क्लॉक रूम, और सामने देखिए ये है बेबी केयर कक्ष। तो एक बार हम आपको दिखाते हैं अंदर से बेबी केयर कक्ष। यहाँ पे वाओ, ये बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे श्री कृष्ण जी की फ़ोटो लगी हुई है। और ये देखिए कितना सुंदर है। तो ये है बेबी केयर कक्ष, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध पेयजल, मतलब शुद्ध पेयजल यहाँ पे है। हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। फिर देखिए फिर आद्या जा रही पानी पीने। आद्या क्या कर रही हो बेटा? पानी अभी पी हो ना बेटू। यहाँ पे देखिए यहाँ एरो बनाया हुआ है बेबी केयर फीडिंग रूम। तो मैं एक बार आपको एंटर गेट पे खड़े होके पूरे पार्क का व्यू दिखा रही हूँ। ये है पूरे पार्क का व्यू, काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी अच्छा पार्क है। तो यहाँ पे आए, विज़िट ज़रूर करें यहाँ पे आके। सारनाथ पार्क, सारनाथ गार्डन। तो मैंने आज आपको सारनाथ गार्डन पूरा घुमाया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और सारनाथ का ये गार्डन काफ़ी अच्छा है। और एक बार आप सबको फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो जय हिंद।